करनाल पहुंची कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा। जेजेपी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह गोरैया ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। किसान आंदोलन के समर्थन में जेजेपी पार्टी के जिला प्रधान से इस्तीफा दिया था। कांग्रेस पार्टी देश भर में अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा की मौजूदगी में पूर्व जेजेपी के जिला अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। इंद्रजीत ने कृषि कानूनों के खिलाफ जेजेपी पार्टी को अलविदा कह दिया था। वहीं कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, ये तो सरकार अपनी नाकामियां छुपाने में ऐसी बातें करती है। कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर सड़क से सदन तक आम जनता की आवाज उठाती है। फूट तो सरकार में है, जहां पर गृह मंत्री चाहते हैं कि पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को करनी चाहिए, क्योंकि इन्हें अपने तंत्र और पुलिस पर भरोसा नहीं है। शैलजा ने साफ कर दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कोई नाराजगी नहीं चल रही। वहीं कृषि कानूनों को लेकर कुमारी शैलजा ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए सरकार को जमकर घेरा। ये सवाल मैं समझती हूँ, जो सत्ता पक्ष है उससे प्रेरित है, क्योंकि कांग्रेस वो अपनी भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरह की बातें छेड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर लोगों की लड़ाई लड़ रही है, सड़क पर भी और सदन में, विधानसभा में भी और सड़कों पर लोगों के बीच में भी। फूट तो आप ये देखिए, उसकी मिसाल अभी हाल ही में आपने देखा, जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है पेपर लीक का, उसमें खुद हरियाणा के गृह मंत्री मांग कर रहे हैं अपनी ही सरकार से कि सीबीआई जांच करिए, क्योंकि इन्हें अपने ही तंत्र पर पुलिस पर भरोसा नहीं है। तो फूट की मिसाल तो आप वहाँ देख लो, कांग्रेस पार्टी तो लोगों की लड़ाई लड़ रही है। मैं हुड्डा साहब के साथ लंच में कल क्या कुछ बातचीत हुई पार्टी को मजबूत करने के लिए? अरे सोशल फंक्शन था और समय समय पर हम मिलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। नाराजगी तो नहीं है पंजाब में? नाराजगी तो नहीं है मैम उससे? कोई नाराजगी नहीं होती है। संगठन का विस्तार तो करने जा रहे हैं, संगठन का विस्तार अभी कभी नहीं होगा। इंद्रजीत गोराया जी पार्टी में आए, क्या कुछ मजबूती मिलेगी, क्या पद भी मिलेगा संगठन में आगे जाकर? किसान को नजर आए, मगर विपक्ष नजर नहीं आया विरोध करता हुआ। राहुल गांधी जी ने, आप अपनी बात बार बताइए, राहुल गांधी जी ने अभी आपने देखा भारतीय जनता पार्टी सरकार, केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है कि जो 70 साल में हमने इतने बड़े बड़े जो संस्थान तैयार किए थे, देश लोगों का पैसा लगा था, आज उनको बेचने पर आ गए। ये सरकार का जो दिवालिया निकल रहा है, ये देश का भी दिवालिया निकालने पर आमादा है। केवल कॉर्पोरेट सेक्टर का फायदा कर सकते हैं, आम लोगों का फायदा सरकार कर सकती है। आम लोगों का वेलफेयर करना सरकार का काम है, कॉर्पोरेट सेक्टर का काम नहीं है। अब ये सरकार केवल उनका फायदा करती है, हरियाणा सरकार हो, खट्टर सरकार हो या केंद्र सरकार हो, आम नागरिक के खिलाफ है। और ये जो बातें इन्होंने, इस तरह के कानून इन्होंने पास किए हैं तीनों दिन असेंबली में कांग्रेस, और इसी सिलसिले में मुझे खुशी है कि आज हमारे साथ इस इलाके के मजबूत साथी इंद्रजीत सिंह जी, कांग्रेस में राहुल गांधी जी ने कांग्रेस की विचारधारा में आस्था रखते हुए इन्होंने हमारी पार्टी के तिरंगे को थामा है। आज के दिन जरूरत है कि हम पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करें, ज्यादा से ज्यादा साथियों को कांग्रेस पार्टी में मिलाएं, और जो लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, आम नागरिक, किसान की, मजदूर की, गरीब आदमी की, चाहे वो मिडिल क्लास, चाहे शहरी है, चाहे ग्रामीण, आज सारे के सारे सारे नागरिक हरियाणा के, देश के, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ
सभी लोग आज के नीतियों से त्रस्त और कांग्रेस पार्टी में लोग एक उज्ज्वल भविष्य देखते हैं, इसलिए आज यहाँ हम स्वागत करते हैं जो इंद्रजीत सिंह जी का जो आज कांग्रेस पार्टी में आए अपने साथियों के साथ दल बल के साथ कांग्रेस पार्टी के परिवार में इनका स्वागत है। और मैं तो कहूंगी कांग्रेस के लोगों को भी कि अब से इनको अपने परिवार का हिस्सा मानकर इन्हें पूरा पूरा मान सम्मान भी सभी लोग हैं।